मैंने राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट जो भी उन्होंने दिया है देखने का मुझको अभी तक फुर्सत नहीं मिला है, इसलिए सुबह से मैं अपना काम ही कर रहा हूँ, तो रात जब आएगा तो आराम से देख लूंगा, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाएगा। देखिए राहुल गांधी जी बहुत तरीका से साइना को हमेशा प्रमोट करता है, ठीक है, तो ये जो आपको देखना पड़ेगा वो हमेशा भारत को नीचे दिखाने का और साइना को एक बहुत बढ़िया नेशन का हिसाब से प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन साइना में डेमोक्रेसी नहीं है, साइना में लोगों का रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, क्या राहुल गांधी उनका बारे में भी कहीं कहीं जाके बोलते हैं? तो इससे हमारा मन में एक ही बात आते हैं कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी का बीच में जो एमओयू हुआ था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उनको खुलासा करना चाहिए, किसलिए, क्या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में ये भी लिखा है कि राहुल गांधी जहां भी जाएगा साइनीज को प्रमोट करेगा? तो ये समय है कांग्रेस पार्टी आगे आए और जो भी एग्रीमेंट साइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का साथ हस्ताक्षर हुआ था वो देश का सामने रखे। देवी देवता और महापुरुष को ये कह रहे हैं कि 2024 का जब रिजल्ट आया तो देश में एक जो डर का माहौल था, जो बीजेपी की वजह से, मोदी जी की वजह से एक डर का माहौल था, वो खत्म हो गया। वो तो पता नहीं, वो तो राहुल गांधी जी का शायद डर थोड़ा कम हुआ है, वो तो वही बता सकेगा क्या डर का माहौल था क्या खत्म हुआ, उनका ही वो मानसिकता है, वो उसका जवाब वो ही दे सकता है। देखिए उनका लंबा आयु मिले, हेमंत सोरेन जी को देश का जरूरत है, फांसी का क्यों लटकाया जाएगा, हमें तो खाली इतना ही चाहता हूँ आप घुसपैठी को बाहर कीजिए, हमारा तो उनसे अपेक्षा इतना ही है, जो सिपाही लोगों का सिपाही बनने का कारण इंटरव्यू में आके जो लोगों का मर्द हुआ उनको 50 लाख रुपया दीजिए, एक एक नौकरी दीजिए, इतना सीधा साधा डिमांड है, यहाँ में फांसी का बात कहाँ से आ गया, एक नौकरी और घर में दीजिए, 50 लाख रुपया दीजिए। अभी भी मैं 2 युवाओं का घर में जा रहा हूँ मिलने के लिए, तो अगर कोई गरीबों को 2 नौकरी दिया जाते हैं या विपक्ष डिमांड करता है कि गरीब बेटाओं को 2 नौकरी दीजिए, क्या उनका कारण फांसी का बात करेगा? आज हेमंत सोरेन जी बोल रहे हैं कि जुबा स्टेरॉइड ले रहा है, कोविड के लिए मर रहा है, भाई अभी तो ट्वीट किया था कोविड का वैक्सीन सुरक्षित है सबको लेना चाहिए, आप तो खुद भी कोविड का वैक्सीन लेके बैठा हुआ है, आपका तो शरीर में तो कुछ समस्या नहीं आ रहा है, तो क्या आप झारखंड का युवाओं को कोई दूसरा कोविड वैक्सीन दिया था क्या? फॉर मोर ऑफ सच वीडियोस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू ईटी नाउ स्वदेश।